स्टूडेंट आपको हम बताएंगे इस वीडियो में 7.11 क्लास 12 का। अगर आपने 7.10 नहीं देखा है या फिर उसके पहले के 7.12 नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आई बटन पे आपको दिख जाएगा 7.10 का, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं 7.11 के पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, 0 से π/2 लिमिट है, इंटीग्रेशन है कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या करना है, समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर लिमिट क्या है। यहाँ पर लिमिट अगर 0 से π/2 है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला क्या है हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं। यहाँ पर 0 से यहाँ पर लिमिट होगा, यहाँ पर अगर कोई भी लिमिट हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि π/2 हो, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी है कि नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी है कि नीचे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a, और यहाँ पर एफ ए माइनस एक्स, ठीक है। क्या करना होता है हमें, ये जो ऊपर वाली लिमिट होती है यानी कि अपर लिमिट होती है उससे x को घटा देना होता है, ठीक है, dx, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें क्या करना है, इसको क्या मानेंगे आप, आई मानेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को क्या माना जाता है, आई माना जाता है। और ये होगा 0 से π/2 लिमिट, और ये कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर यही फंडा यूज करना है, ये फार्मूला, ये एक प्रमेय है आपका, ठीक है। तो यही प्रमेय यहाँ पर यूज करना है। तो जैसे ही यहाँ पर हम प्रमेय यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर एक्स था, अब क्या हो जाएगा, π/2 - x, ठीक है, π/2 - x हो जाएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 0 से π/2 लिमिट, और आप इसको कर सकते हैं क्या, यहाँ पर कॉस स्क्वायर π/2 - x होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा आप इसे समीकरण एक मानेंगे और इसको समीकरण आप दो मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड कर देंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपका ये एक आई आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2i इक्वल टू, और इस तरफ आएगा 0 से π/2 लिमिट, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इसको ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर 2i कैसे आया, इन दोनों को ऐड किया गया है ना, समीकरण एक और समीकरण को दो को ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप इसको और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों में लिमिट क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे एक बार भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये है प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, पूरे का डी एक्स। अब आपको ये पता है कि ये कितने के मान होता है, ये होता है आपका, ये हो जाएगा लिमिट 0 से π/2, और ये होता है 1 dx, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या होता है आपका 1 आता है, ठीक है। तो ये 1 dx हो गया। अब 1 का क्या करना है, ये आ गया कितना, 2i = 1 dx। 1 का क्या होता है, 1 का होता है एक्स होता है सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट रख देंगे 0 से π/2, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 2i = आ जाएगा आपका ये, जब हम एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट π/x के स्थान पर क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे, तो π/2 आएगा, और नीचे जब माइनस में करेंगे 0 तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका i क्या आ जाएगा, ये i आपका आ जाएगा π/4, इसका इस तरफ लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो π/4 आपका आ गया आंसर। इसके बाद आप इसे नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह है आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट है, और रूट में साइन एक्स अपान रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट आपको देखने हैं कि आप सही लगा रहे हैं या गलत लगाए हैं, तो आप देख, अगर जैसे आप इस क्वेश्चन को किए, अगर आपको पता चला कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है, यहाँ पर आई बटन पर आपको ऊपर दिख जाएगा, तो आप वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। मैंने 7.11 के जितने भी क्वेश्चन थे उसका सबने शॉर्टकट ट्रिक बताया था, ठीक है, इसमें वीडियो में, आप यहाँ पर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। और तो आते हैं इस क्वेश्चन पर, यहाँ पर 0 से π
बाई टू लिमिट है, तो ये फंडा आपको यूज करना है, ठीक है, ये फार्मूला या फंडा जो भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो से कुछ भी यहाँ पर लिमिट हो, जीरो से कुछ भी यहाँ पर लिमिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एफ एक्स डी एक्स है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है, ए माइनस एक्स डी एक्स कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप इसे आई मानेंगे और यहाँ से हो जाएगा ये जीरो से पाई बाय टू लिमिट, और यहाँ पर ये क्वेश्चन को पूरा लिख देंगे, साइन एक्स अपान में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसे समीकरण एक मानेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप इसको इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, ये प्रमेय है आपका, इसको यूज करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे इसको, जीरो से पाई बाय टू लिमिट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में आपका आ जाएगा ये साइन एक्स के स्थान पे, ये क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पे पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। और अपान में क्या है, अपान में यही है साइन, इसमें भी क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कॉस है तो कॉस के साथ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर फार्मूला, आपको पता है कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना के रखा है, आप यहाँ पर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स ये आपका होता है क्या, ये होता है आपका कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स जब करेंगे यानी कि 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जीरो से पाई बाई टू लिमिट, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स रूट में, और अपान में ये वही है तो ये भी कहा जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स ये भी आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स होता है साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्या आपका, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस ये भी आई है आपका, इसको आपको क्या मानना है, समीकरण दो मान लेना है, ठीक है, जहाँ पर ये आप इस फार्मूले का यूज करेंगे उसके बाद जो आएगा उसको आप समीकरण दो मानेंगे, ठीक है, समीकरण दो मानना है, तो समीकरण एक और दो को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आई आई टू आई हो जाएगा, ठीक है, टू आई इक्वल टू इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा जीरो से पाई बाई टू लिमिट, यहाँ पर ये पूरा लिख देना है, साइन एक्स अपान में साइन एक्स रूट में और प्लस रूट में कॉस एक्स डी एक्स, प्लस इसको ऐड करना है, ये भी ऐड कर देंगे, जीरो से पाई बाई टू लिमिट रूट में कॉस एक्स अपान में रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए दोनों में क्या है लिमिट, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो से पाई बाई टू, और इसको हम पूरे के क्या लिख सकते हैं, रूट में साइन एक्स अपान में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, रूट में कॉस एक्स अपान में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया, इंटू डी एक्स हो गया। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों में है, तो आप इसको कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, ठीक है, दोनों में सेम है, तो क्या करना होता है, ऊपर वाले को जोड़ देना होता है, ये ऊपर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये लिमिट लगा देंगे, जीरो से पाई बाई टू लिमिट है, यहाँ पर टू आई इक्वल टू आया था ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों सेम है, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, वन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर बताते हैं, ये टू आई इक्वल टू आ गया आपका जीरो से पाई बाई टू लिमिट, और यहाँ पर बचा क्या, वन बचा, वन डी एक्स, ठीक है, और वन क्या क्या होता है समाकलन, वन का होता है एक्स होता है, ठीक है, वन डी एक्स का होता है एक्स, तो यहाँ पर लिमिट क्या है, जीरो से पाई बाई टू, टू आई आपका आ गया ये। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे एक बार एक्स के स्थान पे पाई बाई टू, और वाई इसके स्थान पे क्या रखेंगे, ये माइन पहले अपर लिमिट रखा जाता है उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, एक्स के स्थान पे जीरो रखेंगे, जीरो आ जाएगा, टू आई इक्वल टू आपका आया पाई बाई टू, आई इक्वल टू आपका आया पाई बाई टू,
ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई टू, ये जो इंटू में है ये इस तरफ आएगा तो गुड़ ये हमारा डिवाइड में हो जाता है, तो यहाँ पर आ गया क्या आपका पाई बाई 4, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसके बाद ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, यहाँ पर साइन पावर 3/2 एक्स अपान में साइन पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस पावर 3/2 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको करना है सॉल्व आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 0 से कुछ भी यहाँ पर लिमिट है ना। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो ये है एक प्रमेय भी है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 से ए सेम रहेगा, एफ ए माइनस एक्स कर देना होता है बस, और कुछ भी नहीं करना होता है। तो सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे क्या, आई मानेंगे पूरे को, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया रहेगा 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गया, ये यहाँ पर साइन पावर 3/2 एक्स अपान में साइन पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस पावर 3/2 एक्स डी एक्स, इसको क्या मानना है, समीकरण एक मानना है। ठीक है, इतना सबको आया समझ में, एकदम अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसको इस वाले प्रमेय को यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो ये 0 से पाई बाय 2 लिमिट रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन पावर, यहाँ पर क्या होगा 3/2, और एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे हम, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, और अपान में क्या करेंगे, यही करना है यहाँ पर भी, यहाँ पर साइन पावर 3/2 एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन पावर 3/2 एक्स के स्थान पे क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस कॉस है कॉस पावर 3/2, और एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 से पाई बाई 2 लिमिट, और यहाँ पर साइन पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, जब साइन के साथ पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है तो वो कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कॉस में चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस पावर 3/2 एक्स, और अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर साइन पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस पावर 3/2 माइनस एक्स, यानी कॉस 3/2 एक्स। ठीक है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, और बाकी ये सब सेम रहेगा 3/2 एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या मानेंगे, इसको समीकरण दो मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण एक और दो को ऐड करना है, समीकरण एक और दो को ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, और आप यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, मैंने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया था। यहाँ पर आप देखिए कॉस पावर 3/2 एक्स और यहाँ पर साइन पावर 3/2 एक्स दोनों सेम है, नीचे इसमें दोनों क्या है सेम है। ठीक है, लिमिट भी दोनों सेम है, 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है साइन पावर 3/2 एक्स प्लस इसमें क्या हो जाएगा कॉस पावर 3/2 कॉस पावर 3/2 एक्स। ठीक है, और नीचे दोनों में सेम है, ये भी और ये भी दोनों सेम है, आप देख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे साइन पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस पावर 3/2 एक्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 0 से पाई बाई 2 लिमिट, और यहाँ पर 1 डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 2 आई इक्वल टू, और यहाँ से निकालेंगे क्या, यहाँ से 2 आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 डी एक्स का जब हम समाकलन करते हैं क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, यहाँ से 0 से पाई बाई 2 लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 2i इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पे, यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस 0 कर देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से i का मान आपका आ गया क्या, i इक्वल टू आ गया पाई बाई 4, यहाँ पर ये जो 2 इंटू में है इस तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2 2, यहाँ पर 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पूरे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बताएंगे हम आपको चौथा क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है आपका ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, 0 से यहाँ पर पाई बाई 2 लिमिट है, और यहाँ पर कॉस पावर 5 एक्स है, और नीचे क्या है
ये नीचे है आपका साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x dx, ठीक है। तो ये भी कुछ उसी तरीके का है, यहाँ पर जीरो जीरो से कुछ भी लिमिट है, आप मान सकते हैं जीरो से ए है एफ एक्स डी एक्स। आपको ये पता है फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, जीरो से ए लिमिट होता है एफ ए माइनस एक्स हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इसे आई मानेंगे, आई मानेंगे तो यहाँ पर जीरो से पाई बाई टू लिमिट, और ये कॉस पावर 5x अपॉन साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x डी एक्स, आप इसे मानेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको हमें यहाँ पर यूज करना है इस प्रमेय का। तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा कॉस पावर 5, और एक्स के साथ भी क्या रखेंगे हम पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरो लिमिट है नीचे, ठीक है। नीचे जब जीरो रहता है तो यही आप कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जो रहेगा एक्स के साथ घटा दीजिए, एक्स को उसमें से घटा दीजिए, यानी कि पाई बाई टू से हम एक्स को घटा देंगे, ठीक है। और नीचे भी वही करेंगे, यहाँ पर साइन पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 5, और यहाँ पर भी पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। इतना करने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या आता है, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या आता है आपका, ये आ जाएगा आपका साइन पावर 5x, ठीक है। और नीचे ये क्या है, यहाँ पर साइन पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस पावर 5x प्लस, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन पावर 5x dx, ठीक है। ये आपका आ गया आई, इसको आपको क्या मानना है, समीकरण दो मानना है, ठीक है। अब समीकरण एक और दो को ऐड कर देंगे, समीकरण एक और दो को ऐड करना है तो ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ क्या आएगा आई, और ये आई 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 जुड़ेंगे तो 2i आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर इसको इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे आपका सेम है, यहाँ पर कॉस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x, यहाँ पर भी वही है कॉस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x, ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपका ये नीचे क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा कॉस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर हम क्या करते हैं, जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं, कॉस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x, कॉस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x डी एक्स, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, आ जाएगा 1 जीरो से पाई बाई टू लिमिट, और ये आ गया आपका 1 डी एक्स, यहाँ पर 2i इक्वल टू आ गया, और 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 डी एक्स का होता है समाकलन क्या x होता है, ठीक है। और यहाँ पर रख देंगे लिमिट जीरो से पाई बाई टू, और इसके बाद हम यहाँ पर आपको बताते हैं ये 2i इक्वल टू क्या आ गया आपका, यहाँ पर आप रखेंगे एक बार x के स्थान पे पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू हो जाएगा माइनस, उसके बाद करना होता है एक्स के स्थान पे जीरो रखेंगे जीरो आ जाएगा, यानी कि 2i इक्वल टू आपका आया पाई बाई टू, यहाँ से i आ जाएगा आपका क्या 5/4, इसका इसमें गुणा कर देना होता है, 2 का इस तरफ आएगा तो यहाँ पर नीचे गुणा हो जाता है, ठीक है, ये आ गया 5/4, और ये क्या होता है आपका आंसर हो जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी कुछ करना हो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम बताएंगे पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं अब पांचवे क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है माइनस माइनस 5 से 5 लिमिट है, और यहाँ पर मॉड में एक्स प्लस 2 है, ठीक है, एक्स प्लस 2 डी एक्स है। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना है, आपका ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा भी सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर मॉड में है, ठीक है, मॉड में जब आता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में चला जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके का है, यहाँ पर माइनस 5 से 5 है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर वो बता दें कि फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम यूज करना चाहें तो, अगर इस तरीके का है जी ए से बी है, ठीक है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम क्या और भी लिख सकते हैं, ए से हम ऐसा कुछ मानेंगे यहाँ पर सी, ठीक है, सी लिख देंगे, और एफ एक्स डी एक्स प्लस, और ये जो सी हमने ऊपर लिखा था यहाँ पर नीचे रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर बी था तो बी रख देंगे, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। इसमें यानी कि आपको क्या करना है, ए से बी लिमिट है तो सबसे पहले ए को रखना है, उसके बाद कुछ ऐसा रखना है, यहाँ पर कुछ भी आप रख सकते हैं,
लेकिन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे, और यहाँ पर जो यहाँ पर रखेंगे हम वही नीचे रख देंगे जिससे वो कैंसिल हो जाए। अगर उस हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर ए से बी वही लिमिट यही सेम आता है, ठीक है। आप इसका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसका प्रूफ आपको बता दूंगा, ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मॉड में x प्लस टू है, मॉड में x प्लस टू है तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस टू, ठीक है, मॉड का यही मतलब हुआ है। लेकिन आपको यहाँ से सबसे पहले तो आपको x का मान निकालना है, x क्या आ जाएगा आपका माइनस टू, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये c हो गया, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, c हो गया। बस आपको यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो इसके थोड़े से और यूज हैं उसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं माइनस फाइव से लिमिट क्या, यहाँ पर आया सी के साथ भी क्या आया टू आया माइनस टू, ठीक है, माइनस टू रख देंगे। और यहाँ पर क्या है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस क्या करेंगे सी से बी, यानी कि सी क्या है माइनस टू है, माइनस टू से बी यानी कि फाइव, ये वाला, ठीक है, ऊपर का, ठीक है, ये फाइव हो गया। अब यहाँ पर भी x प्लस टू डी एक्स, और थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये मॉड x प्लस टू है तो ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका हो सकता है माइनस x प्लस टू हो सकता है या प्लस x प्लस टू हो सकता है, ठीक है, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं और यहाँ पर प्लस है ही, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले में आपको माइनस ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर माइनस को बाहर कर लेते हैं और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस फाइव से माइनस टू लिमिट है एक्स प्लस टू डी एक्स, और यहाँ पर माइनस टू से फाइव लिमिट और एक्स प्लस टू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, माइनस यहाँ पर x का समाकलन क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय टू, और प्लस टू का हो जाएगा टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे लिमिट माइनस फाइव से माइनस टू। इतना सबको आया समझ में अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इसका भी करेंगे, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय टू प्लस टू का क्या हो जाएगा टू एक्स, यहाँ पर भी लिमिट रखेंगे माइनस टू से माइनस, नहीं सॉरी यहाँ पर फाइव है सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इतना कर लेना है, ठीक है, इतना सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बस लिमिट ही रखना है, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये वाला यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर अपान में टू प्लस टू इन टू ये माइनस टू, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद माइनस करना होता है, माइनस। अब यहाँ पर हम रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा क्या, यहाँ पर एक्स स्थान पे क्या रखेंगे माइनस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव का स्क्वायर बटे दो प्लस टू इंटू माइनस फाइव, ठीक है, इतना हो गया, इतना सबको समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है, इसमें भी वैसे ही सेम करना है, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर नीचे कर देते हैं, यहाँ पर नीचे हम कर देते हैं, ठीक है, या फिर यहीं पर करते हैं हम। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर रखेंगे इस बार क्या, इस बार हम फाइव रखेंगे, तो ये हो जाएगा फाइव का स्क्वायर बटे दो प्लस टू इंटू फाइव, टू इंटू फाइव हो गया, ठीक है, इसको आपको अलग ब्रैकेट में कर लेना है। यहाँ पर माइनस रखेंगे, अब क्या रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस टू यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में टू हो जाएगा प्लस टू इंटू माइनस टू, ठीक है, टू इंटू माइनस टू, ये आपका हो गया, ठीक है, इतना आया होगा सबको समझ में। अब आते हैं इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कैसे करना है। यहाँ पर माइनस बाहर है, माइनस बाहर रहने देते हैं हम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर, ठीक है, फोर आएगा, फोर बाई टू है तो आपका ये आ जाएगा टू, ठीक है, सबको इतना क्लियर है।
यहाँ पर प्लस में है, प्लस में कर देंगे। और लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस टू का गुणा हम टू से करेंगे तो माइनस फोर आएगा, ठीक है, तो माइनस फोर हो गया। इस वाले को करेंगे तो यहाँ पर माइनस फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25/2, 25/2, ठीक है, इसको अलग ब्रैकेट में ही रखना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10, 2 का इंटू 5 में करना है, -10 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसमें देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और अपान में 2 प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2 यानी कि आपका 2। और यहाँ पर प्लस 2 इंटू -2 यानी कि -4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेना है, आप यहाँ इसको कर सकते हैं -2, और यहाँ पर ये आ जाएगा 25 -20, ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा 5/2। अब इसको करते हैं, यहाँ पर 25 प्लस 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा यानी कि 45, 45/2। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर -2 आएगा, और जब ये बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 प्लस यानी प्लस आ जाएगा। अब आप इसको सिंपलीफाई करें, यहाँ पर -4 -5 यानी कि -9 हो जाएगा, -9/2। और यहाँ पर प्लस 45/4 यानी कि 49/2, ठीक है। इसको हम माइनस माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9/2 प्लस 49/2, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 9 और 49 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49/50 यानी कि 58/2। और यहाँ से इसको हम कट कर सकते हैं 2 से, यानी 2 दूना 4, 1 है 2 18, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 29, ठीक है। और 29 क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 29 आंसर हो जाएगा। आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही 5 क्वेश्चन तक का, इसके आगे के जो आपको हम बताएंगे 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।